चित्रकूट वकीलों ने पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला किया, चक्का जाम खूब लगाए नारे। उत्तर प्रदेश चित्रकूट पड़ोसी जनपद बांदा में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे शीत युद्ध की चिंगारी जनपद में भी भड़क उठी और बड़ी संख्या में एकजुट अधिवक्ताओं ने हल्ला बोलते हुए जुलूस निकाल धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने इस दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस की कार्यप्रणाली को हिटलर शाही की संज्ञा देते हुए आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने बांदा के आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बांदा के कुछ वकीलों ने वर्तमान बांदा सदर कोतवाल के ऊपर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी के मुताबिक कुछ वकील एक दिन कोतवाली गए थे। इस दौरान वहां मौजूद सिपाही ने उनसे अभद्रता की, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाल से की तो उन्होंने भी अभद्रता की और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मामले की जानकारी होने पर अधिवक्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक बांदा से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पश्चात नाराज अधिवक्ताओं ने विरोध स्वरूप दो दिन तक कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस कर्मियों को नहीं घुसने दिया और धरना प्रदर्शन करते हुए शहर कोतवाल का पुतला फूंका। अब पूरे मामले की शिकायत लेकर अधिवक्ता DIG रेंज चित्रकूट धाम मनोज तिवारी के पास भी पहुंचे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को चित्रकूट में भी अधिवक्ता लामबंद होकर आंदोलित हो गए और धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। अधिवक्ताओं का कहना था कि आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।